दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा। ऊना जिला की गगरेट विधानसभा क्षेत्र के पीरथीपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत समापन पूजा अर्चना और हवन के साथ हुआ। कथावाचक जगमोहन शास्त्री महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर अपने अमृत वचनों में बताया कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्मा है, जिनके चरणों में नमन करने से जीव सर्वथा पाप मुक्त हो जाता है। इस मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और कथा के दौरान भक्ति भजनों पर महिलाएं पुरुष झूमते नजर आए। कथा के अंतिम दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान पूजन करते हुए व्यास पूजन भी किया। श्री शास्त्री ने आह्वान किया कि यदि आप किसी बच्चे के माता पिता हैं, तो अपनी संतान को ऐसे संस्कार जरूर देना कि वे सदा जीवन में पीड़ित का सहारा बने। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से एके कालिया की रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और एसटी विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं पीसीआई से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि पीजी डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा डीडीएम स्कूल में नर्सरी से लेकर 10 प्लस 2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।